मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग नगरीय भूगोल, मानव भूगोल का जो पोर्शन है नगरीकरण, उस वाले मुद्दे पर बात करेंगे। सबसे पहले नगरीकरण क्या होता है? नगरीकरण से अभिप्राय ये है कि ग्रामीण शहरों में एक्सेप्ट करना या एक ऐसा नगर जहाँ सारी सुख सुविधाएं हैं। अब बात आती है नगरीकरण हो क्यों रहा है, इसके बहुत से कारण है। जनसंख्या वृद्धि, रोजगार की उपलब्धता, सुख सुविधाएं, हेल्थ और मेडिकल फैसिलिटीज। इस प्रकरण में हम उन बिंदुओं पर डिस्कस नहीं करके क्लासिक विषय पर बात करेंगे, नगरों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सिटीज। नगरों को वर्गीकरण के आधार पर मैंने थ्री पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है स्थिति के आधार पर अकॉर्डिंग टू लोकेशन, दूसरा है नगरीय कार्यात्मक क्षेत्र अर्बन फंक्शनल जोन, तीसरा नगरों का कार्यात्मक वर्गीकरण फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन। स्थिति के आधार पर अगर हम बात करें कि नगर कहाँ स्थित है, भौगोलिक जो कंडीशन है, जैसे नदी के किनारे जो स्थित है वो नगरीय नदी तटीय नगर कहलाते हैं। जैसे अगर हम बात करें राजस्थान में पाली पांडी नदी के किनारे स्थित है, हरिद्वार गंगा नदी के किनारे स्थित है, तो इस तरह ये सारे नगर जो नदी किनारे तट पे स्थित है नदी तटीय नगर कहलाते हैं। झील तटीय नगर जो झील के किनारे स्थित है, जैसे उदयपुर झीलों की सिटी कहलाता है। बंदरगाह के रूप में नगर, यानी वो जो पोर्ट के रूप में कानपुर है, कलकत्ता है, मुंबई चेन्नई। मैदानी नगर जो प्लेन सिटी बने हुए, जैसे यूपी के जो सारे शहर, एमपी के सारे शहर जो उत्तर के विशाल मैदान में है। पठारी नगर जो कि प्लेटो एरिया में डेवलप हुए हैं, दक्षिण के पठार में। पर्वती पर्वतपदीय नगर, यानी पर्वत की तलहटी में, हिमाचल प्रदेश में जम्मू में ऐसे नगर मिलेंगे। प्रपात नगर मतलब वाटरफॉल, जहाँ झरना गिर रहा है उसके किनारे, जैसे चूलिया जल प्रपात राजस्थान में है, वहाँ चित्तौड़गढ़ वाले एरिया में वहाँ शहर डेवलप हुए हैं। मरुध्यान नगर मतलब डेजर्ट में जो शहर डेवलप हुए। नगरीय कार्यात्मक वर्गीकरण के आधार पर देखें तो केंद्रीय व्यापारी नगर, यानी सेंट्रल जहाँ पे बिजनेस होता है, जैसे अगर हम बात करें मुंबई चेन्नई जयपुर, इनमें क्या होता है एरिया होता है जहाँ पर बिजनेस वही होती है, जहाँ केवल लोग रहते हैं। प्रशासनिक नगर जैसे जयपुर है, जितनी भी राजधानियां हैं दिल्ली मुंबई, ये सब प्रशासनिक नगर में आएंगे। शैक्षिक नगर यानी जो एजुकेशन सिटी के रूप में डेवलप हुआ, जैसे राजस्थान में कोटा। औद्योगिक नगर जो इंडस्ट्री के रूप में, जैसे जमशेदपुर है। इसके अलावा सांस्कृतिक क्षेत्र जो कल्चरल रूप से डेवलप हुआ, और उपवन यानी जहाँ मुख्य रूप से उद्यान और इसके लिए फेमस है। मुख्य जो प्रश्न बनता है यहाँ से बनता है नगरों का कार्यात्मक फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन, यानी शहरों में कौन कौन से कार्य होते हैं उसके हिसाब से उसका वर्गीकरण। सबसे पहला है औद्योगिक नगर, इंडस्ट्रियल सिटी। औद्योगिक नगर से अभिप्राय यह है कि वह शहर जहाँ पर्टिकुलर उद्योग विकसित हुए हैं, जैसे उड़ीसा में जमशेदपुर है, कोलकाता है, ये सारे के सारे पर्यटन सिटी के